नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो उदयपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इससे रिलेटेड जो भी इसके अंडर कॉलेजेस आती है उन सभी कॉलेजेस का और उदयपुर यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न की अपन चर्चा करते हैं कि पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि इसके अंडर जो भी कॉलेजेस आती है उनमें टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और नई कॉलेजें खुली है वहाँ पर अपने को जो पेपर का पैटर्न है वो कोई बताने वाला नहीं है, अपने को ना ही स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है। तो उन सभी की चर्चा करेंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पेपर पैटर्न क्या रहता है, अपने को कैसे तैयारी करनी है, उसकी संपूर्ण अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों, 100 नंबर का आपके एक सब्जेक्ट का मैटर आता है। कितना आता है? 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का मैटर आता है, उसमें से आपका 20 नंबर का मिड टर्म रहता है, 20 नंबर का मिड लग जाता है, जो कि एग्जाम के जो आपकी एग्जाम लगती है, जो जैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में एडमिशन लिया होगा, एडमिशन के 1-1.5 महीने बाद में या 2 महीने बाद में लग जाती है, तो आपके मिड तो आने वाले हैं ऐसे समझ लो। अब इसके बाद में है कि 20 नंबर का क्या जाता है, अपने मिड टर्म लग जाता है। सही सर, इसके टाइम कितना मिलता है इसके लिए? ओनली 1 आवर मिलता है, 1 घंटा किसके लिए मिलता है? मिड टर्म के लिए टाइम मिलता है। इसके बाद में कितना बचा? 80 नंबर बच रहे हैं। कितने नंबर बच रहे हैं? 80 नंबर बच रहे हैं। 80 में 2 भागों में डिवाइड कर दो, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा और 50 नंबर का क्या हो जाएगा? अपना थ्योरी का पेपर हो जाएगा। 50 नंबर का क्या हो जाएगा? थ्योरी का पेपर हो जाएगा। सर टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 3 घंटे। कितने मिलेंगे? 3 घंटे मिलेंगे इसके लिए। ओनली कितने मिलेंगे? 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर सोल्व करने के लिए। और कौन सा? न्यू टाइप, मतलब ये ओनली 50 नंबर का न्यू टाइप और ये अपना पेपर है ना, ये करने का कितना टाइम मिलेगा अपने को? ओनली मिलेगा 3 घंटे। अब देखो इसके बाद में सबसे ज़्यादा टाइम आपकी यूनिवर्सिटी को यही मिलता है 3 घंटे। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी है उनमें बहुत कम मिलता है, 2 घंटे 2.5 घंटे। अब देखो, अब अपन चर्चा करते हैं आगे की ओर, आगे की 50 नंबर का अपना जो पेपर था उसके पैटर्न की चर्चा करते हैं। देखो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद में सेकंड है, सेकंड के 10 आएंगे और वो कैसे होंगे? रिक्त स्थान वाले होंगे, रिक्त स्थान वाले होंगे। इसके बाद में है तीसरा, तीसरे में यहाँ पर नहीं, तीसरा आगे चर्चा करेंगे। न्यू टाइप में 2 ही क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं? ये आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का होता है, 10 नंबर की टोटल न्यू टाइप होती है। 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले में 10 आते हैं, दूसरे में 10 आते हैं, पहले के 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, दूसरे के 10 रिक्त स्थान होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? आधे नंबर का होता है। 10 नंबर का मैटर कंप्लीट, इधर बच रहा है 40 नंबर। 40 नंबर का क्या आता है? देखो 2 क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो गए, तीसरे में देखो, तीसरे में आपके आते हैं 13 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 13। 13 में से 10 करने होते हैं, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन मान लो, चौथे क्वेश्चन में आपके टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। इसमें डेफिनेशन वगैरह आती है, इसमें टिप्पणी वगैरह अंतर वगैरह पूछ लेता है। कितने आते हैं? टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। तो सही, कितने नंबर का हो गया? 10 का ये हो गया, 10 का ये 20 हो गए। इसके बाद में देखो अपना आता है बी पार्ट, बी पार्ट आता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन में अपने को पूछता है, इसमें कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 1 क्वेश्चन करना होगा, 1 करना होगा और कितने नंबर का होगा? अपना होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। कितने का होगा? 6 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितने का हो गया? 1 ही करना था तो 6 का हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे। कितने? 2 करने होंगे, 3 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 7 का होगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 14, 14 6 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 हो गया। इसके बाद में 10 50, 50 का ही अपने को मैटर और कितना मिलता है? 3 घंटे इसके लिए मिलते हैं। आप सभी की मैं बता देता हूँ साथियों, आपके एक सब्जेक्ट है मैथ, ये मैथ सब्जेक्ट ओनली उन्हीं को उन्हीं के आती है जिनके ट्वेल्थ में क्या होती है, जिनमें ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट होती है,
उन्हीं के आती है, और बाकी सभी चारों यूनिवर्सिटी में मैथ सब्जेक्ट आती है आपके उन्हीं स्टूडेंट्स के मैथ आएगी जिनके ट्वेल्थ में क्या हो बायोलॉजी हो, क्या हो बायोलॉजी हो। इसके बाद में देखते हैं आपके कौन सी सब्जेक्ट आती है, आपके आती है एग्रीकल्चर हेरिटेज, क्या आती है AGHR 111। इतनी चर्चा कर ली अपन ने, अब साथियों अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन चर्चा करते हैं कि अपने को पढ़ना कहाँ से है, अपने को ये कंप्लीट मटेरियल पढ़ना कहाँ से है। तो साथियों एक इससे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर अपने यहाँ पर तो क्या आ रहा है प्रैक्टिकल आ रहा है 30 नंबर का, अगर मान लो प्रैक्टिकल नहीं होता है किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है तो उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ न्यू टाइप में आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो एक एक नंबर के हो जाते हैं, जो डेफिनेशन एक एक नंबर की होती है वो दो दो नंबर की हो जाती है, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 10-10, 15-15 नंबर के हो जाते हैं। मतलब ये जो 30 नंबर है इस 50 नंबर वाले मैटर में क्या हो जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, और पेपर का पैटर्न होता है वो वही रहता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे अपने को देखना है जो अपने को ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर हेरिटेज है, एक्सकॉम है, रूरल सोशियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़े कहाँ से, क्योंकि ये नई सब्जेक्ट्स है अपने लिए। तो साथियों मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ब्राइट एग्रो क्लासेस, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से एक ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके साथ ही मैं बता दूं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पे जो अपना प्ले स्टोर है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें 8690596638 और 9672634845 इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी इशू आता है डाउनलोड करने में। अब देखो आगे की ओर चलते हैं कि सर ये डाउनलोड तो कर लिया पर डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा, आगे तो बताओ कुछ। देखो दोस्तों इसमें आपके अवेलेबल है पहले जो सेमेस्टर का है, पहले सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स है वो अवेलेबल है, कंप्लीट टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपकी, कंप्लीट 10 सब्जेक्ट आपकी अवेलेबल होगी, और वो भी हिंदी मीडियम में होगी, पहले सेमेस्टर में इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी, आगे अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स लेंगे, पर इस सेमेस्टर में ओनली इंग्लिश है क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए ओनली किस में है ओनली हिंदी, और थोड़ा बहुत टर्म्स किस में यूज ले रहे हैं अपन इंग्लिश के ले रहे हैं। कंप्लीट कोर्स है सर, मिलेगा कितने में, क्या क्या मिलेगा इसमें, इसमें मिलेगा आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, रिवीजन क्लासेस मिलेगी, और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी भी आपको लास्ट में क्लासेस मिल जाएगी। अब इसके बाद में है पहले सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स कितने में मिलेगा सर, 700 रुपये में, कितने में मिलेगा 700 रुपये में मिलेगा, और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ 700 रुपये में 70 रुपये अगर डिवाइड करते हैं 10 सब्जेक्टों को तो 70 रुपये एक सब्जेक्ट का पड़ रहा है, 100 रुपये की तो आप नोट्स की PDF ही निकालवा लेते हो, और अगर एक भी सब्जेक्ट बैक आती है तो 700-800 रुपये तो आपके बैक के फॉर्म के ही लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम कॉस्ट है क्योंकि आपको फंडामेंटल क्लियर करना है। सही, अब कॉलेज में टीचर्स नहीं है समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए ऐसा थोड़ा ना है कि फंडामेंटल वीक रह गया तो जो पहले सेमेस्टर में OGP है वो ही एंड तक चलती रहेगी। तो मैंने बता दिया 700 रुपये में कंप्लीट कोर्स है, और इसके साथ ही साथियों मैं आपको बता देता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में मैथ नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी में मैथ सब्जेक्ट है, तो बाकी यूनिवर्सिटी में मैथ बहुत ज़्यादा बेक आती है, अगर आपके कोई साथी हो तो उनको भी बोलना क्योंकि मैथ का भी अपने कोर्स अवेलेबल है, अपने मैथ का कोर्स अलग से अवेलेबल है, कंप्लीट पहले सेमेस्टर का अवेलेबल है, और इसके साथ ही सेकंड ईयर में एक स्टेट सब्जेक्ट आती है, कौन सी सब्जेक्ट आती है स्टेट सब्जेक्ट आती है उसका अवेलेबल है, इसके अलावा थर्ड ईयर में आती है अपनी एक एंटो सब्जेक्ट, कौन सी आती है एंटो सब्जेक्ट उसका अवेलेबल है, इसके साथ ही अपने एक और कोर्स अवेलेबल है, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर की कोई सब्जेक्ट्स है एक्सकॉम वगैरह बायोकेमिस्ट्री वगैरह बायोटेक्नोलॉजी, उनका पर सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट आपको 99 रुपीज पर सब्जेक्ट का लगेगा। तो आई होप साथियों आपको जानकारी पसंद आएगी, अपने साथियों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको स्टडी मटेरियल
मिल सके आपकी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उदयपुर यूनिवर्सिटी का, अन्य का भी इसी तरीके से अपनी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका है, कर चुके हैं अपन, और जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर जरूर करना, उनको बताना इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि वो भी अपनी स्टडी को रेगुलर कर सके। अब मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।